सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। फिर पूरन स्वराज का नारा जा लाहौर पहुंचाया, आजादी का वीर सिपाही कभी न हिम्मत हारा। फिर डांडी पर जाकर अपने हाथों नमक बनाया, सारे देश को सत्याग्रह का सुंदर सबक पढ़ाया। भारतवासी जपते थे फिर गांधी नाम की माला, 40 करोड़ दिलों में छाया एक लंगोटी वाला। 40 करोड़ दिलों में छाया एक लंगोटी वाला। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। सच्चाई का अटल पुजारी जिसने कभी न हिम्मत हारी, सरकारी कानून तोड़ कर दुनिया के आराम छोड़ कर देश के खातिर जेल गया और अपने सुख पर खेल गया। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। हरिजनों का मान बढ़ाने की खातिर व्रत रखा, गांधी ने दुनिया के आगे एक नया मत रखा। गांव गांव में हरिजनों की हालत देखी माली, हरिजन नाम से हरि सेवक ने एक अखबार निकाली। कांग्रेस की बागडोर फिर जवाहर को देकर शुरू किया बापू ने अपना ग्राम सुधार का चक्कर। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। राजेंद्र कृष्ण जी का जन्म 1919 में हुआ था। 1987 तक राजेंद्र कृष्ण जी हमारे बीच रहे, अनंत गीत लिखे और उन्हें कई बार कई कारणों से अवार्ड मिला, अनगिनत हिट्स दिए। इस गीत को रचकर उन्होंने अपने एक अलग मकाम दर्ज कर लिया। भारतीय धरती पर पैर रखने वाले सबसे महान व्यक्ति में एक है रफ़ी। जब रफ़ी साहब को इस गीत को गाने के लिए कहा गया तो उन्होंने इस टीम के साथ मिलकर लगातार रियाज किया। कहते हैं कि लगातार इस टीम ने 20 दिनों तक रिहर्सल किया, कभी राजेंद्र कृष्ण जी के घर में तो कभी हुसन लाल जी के घर में, रफ़ी जी अपने घर में कभी भी किसी को बुलाकर रियाज नहीं करते थे। उन्होंने हर संभव अवसरों के लिए सैकड़ों गाने गाए। इस गीत के लिए उन्होंने अपना पूरा लगभग 1.5 महीना दिया। अपने 56 वर्ष के छोटे से जीवन काल में रफ़ी साहब ने 1000 वर्षों में जितने गाने कोई गा सकता है उससे भी अधिक गाने गाए। रफ़ी साहब द्वारा गाया गया राजेंद्र कृष्ण का एक और गीत, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक जबरदस्त हिट गाना था। उनके द्वारा संगीत का बद्ध किए गए प्रसिद्ध गीत सुनो सुनो आए दुनिया वालों, बापू की एक अमर कहानी को रफ़ी साहब ने गाया था, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए इतिहास बन गया, एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह गीत 12 मिनट का है। आप लोग इस गीत को सुने और देखें कि किस तरह से गीत की रचना की गई है। एक गीत में पूरा जीवन समेट दिया गया है। हम आपको अगले भाग में इस गीत से जुड़े कुछ और प्रसंग पर भी बात करेंगे। आप कृपया इस गीत को सुनें।